बर्डवॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। आइए नजर डालते हैं दिनभर की बड़ी खबर पर। पथरिया मंडी अध्यक्ष खरगराम पटेल पर जब कल व दमोई एक शादी समारोह नीलकमल गार्डन में शामिल होने के बाद वापस जा रहे थे तो किन्हीं अज्ञात लोगों ने उन पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे उनके मुँह पर काफी चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। जिला चिकित्सालय में कोतवाली TI ने तुरंत उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मुंह पर छोड़ के काम पर बात करने में असमर्थ रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष देवनारायण श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बिगड़ती कानून व्यवस्थाओं को कोसते हुए एक ज्ञापन सौंपा। आइए सुनते हैं क्या कहा। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिले के सहित सारे प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था को लेकर सारी प्रदेश की जनता चिंतित है। इस बात को लेकर हम लोग इसके खिलाफ उचित से जल्द कार्रवाई की जाए। ऐसा बताया है तो मेडिकल रिपोर्ट वगैरह आया है, सारा नहीं वो हमारे हाथ का नहीं रहता, डॉक्टर की जो रिपोर्ट होती है क्या ताकि हम सारा तुरंत हुई बहुत बढ़ता चिंतों का जो बढ़ रहा हो ठीक अब मैं दिल गए थे। उसके बाहर निकलने के पश्चात कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके खिलाफ प्राणघातक हमला किया गया। इसको लेकर आज हमने दमोह पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपा है कि दमोह सहित सारे इस समय तो आप सभी जानते हैं कि कानून व्यवस्था काफ़ी लचर इस प्रदेश में है। ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं, चाहे वो सपना की घटना हो चाहे अन्य कोई घटना हो। हमारा दमोह भी हम पिछले 15 साल से आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, लेकिन इस तरह की घटनाएं कभी देखने को नहीं मिली। लेकिन आए दिन जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, एक जनप्रतिनिधि के ऊपर प्राणघात हमला हो रहा है, इसको लेके कानून व्यवस्था को लेकर आज हमने SP महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि नामजद अगर रिपोर्ट हुई है तो उनके खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी हो, और उसमें अगर धाराएं बढ़ने का प्रावधान है तो धाराएं भी बढ़ाई जाएं, क्योंकि उनके ऊपर प्राणघात हमला हुआ है। ये सारी मांगों को लेकर आज हम जिला पंचायत के अध्यक्ष चरण जी पार्टी के सभी लोगों के साथ यहाँ SP महोदय को ज्ञापन दिया। आरोपी लोग कौन है और क्यों ऐसा है? अभी आरोपी अभी FIR की मुझे कॉपी नहीं मिली है, नामजद रिपोर्ट ऐसा सुनने में अभी TI साहब ने बताया कि नामजद रिपोर्ट की गई है, तो किन के नाम है वो FIR प्राप्त होने के ऊपर आप घटना का कारण तो विवेचना में ही पता चलेगा कि क्या हो सकता है।